आप लोग यह तो जानते ही होंगे कि पांचों पांडव भाई अलग अलग देवताओं के पुत्र थे, जिसमें महाबली हनुमान की तरह भीमसेन भी वायुदेव के पुत्र थे। इस कारण वह बड़े ही बलवान थे। इस बात का प्रमाण भीम के बचपन से ही मिलने लगा था। जैसे कि एक दिन बालक भीम आश्रम में बैठी अपनी माता कुंती की गोद में सो रहे थे कि तभी आश्रम में एक बाघ आ गया था। कुंती बाघ के डर से तेजी से उठकर भाग खड़ी हुई थी। इस कारण भीम कुंती की गोद से छिटक कर जमीन पर एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर गिर गए थे और वह चट्टान भीम के टकराने से चूर चूर हो गई थी, जिसे देखकर राजा पांडु चकित रह गए थे। बचपन में कौरव और पांडव एक साथ खेला करते थे, लेकिन भीम सभी कौरव भाइयों को बहुत मारा करते थे, जिसके कारण सभी कौरव भाई भीम से परेशान हो गए थे। दुर्योधन ने भीम के खाने में उस समय जहर मिला दिया जब सभी बच्चे जल विहार करने गए थे, और जब भीम जहर के असर से अचेत पड़ गए तो दुर्योधन ने भीम को बांधकर गंगा नदी में फिकवा दिया था। भीम अचेत अवस्था में ही नागलोक पहुंच गए थे, तो वहां के नागों ने उन्हें मारने के लिए उन्हें डसना शुरू कर दिया। नागों के जहर से भीम के खाए हुए जहर का असर खत्म हो गया था और उन्हें होश आ गया था। भीम की नजर जब नागों की तरफ पड़ी तो उन्होंने उन नागों को पकड़कर मारना शुरू कर दिया था। कई नागों के मर जाने के बाद बाकी बचे हुए सारे नाग भाग खड़े हुए थे और उन्होंने जाकर सारी बात नागराज वासुकी को बताई, तो नागराज वासुकी अपने साथियों के साथ भीम के पास आए। नागराज वासुकी के एक साथी आर्यक ने भीम को पहचान लिया था, क्योंकि वह आर्यक नाग भीम के नाना का नाना था। तब उस नाग आर्यक ने नागराज वासुकी से निवेदन करके नागलोक के उन कुंडों का रस पिलवाया था, जिन्हें पीने से हजारों हाथियों का बल प्राप्त हो जाया करता था। इस प्रकार नागलोक से ही महाबली भीम को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ था।